देखिए फैक्ट्री में च्युइंगम कैसे बनाया जाता है। अब तो च्युइंगम बहुत सारी कंपनियों का आता है, जैसे मेंटोस, सेंटर फ्रूट, सेंटर फ्रेश आदि। दोस्तों च्युइंगम एक ऐसी चीज है जिसे कोई शौक से खाता है, तो कोई गुटखा छोड़ने के लिए, तो कोई मुंह का दुर्गंध दूर करने के लिए, और वहीं कुछ लोग नींद भगाने के लिए भी च्युइंगम खाते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि च्युइंगम सुअर के चमड़े से बनाया जाता है, जो एक बार आप गलती से भी निगल गए तो आपके पेट में जाने के बाद बहुत सारी दिक्कतें खड़ा कर सकता है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। शायद आपको पता ना हो कि पहले के टाइम में इसे पेड़ों से निकलने वाले गोद से बनाया जाता था। फिर एक टाइम ऐसा आया कि बच्चों से लेकर हर कोई च्युइंगम खाना पसंद करने लगा। डिमांड बढ़ जाने की वजह से फैक्ट्री में काफी ज्यादा मात्रा में च्युइंगम बनाने की जरूरत पड़ने लगी। लेकिन डिमांड पूरा करने के लिए इतना सारा गोद लाएं तो लाएं कहां से? फिर इस डिमांड को पूरा करने के लिए गोद की जगह एडिबल केमिकल से इसको बनाया जाने लगा। और अब इसको रेजिन, एडिबल बैग्स, स्टोमर केमिकल से तैयार गोलियों को मिक्सर में कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स और एडिबल कलर्स मिलाकर मिक्स किया जाता है, और मीठापन लाने के लिए शुगर यानी चीनी भी मिलाई जाती है। अब बारी आती है इस तैयार किए गए मटेरियल को मिक्स करने की। तो अब यहाँ पर इसको गर्म करके मशीन में अच्छे से मिक्स किया जाता है, और पूरी तरह मिक्स हो जाने के बाद ये आटे के डो जैसा तैयार हो जाता है। इसके बाद इसे मशीन के एक छेद से डिजाइन में मोटे आकार में बाहर निकाला जाता है, और फिर ये डिजाइन आगे चलकर चौकोर डिजाइन में कन्वर्ट होकर मशीन के कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे बढ़ती है फैक्ट्री के उस यूनिट की ओर, जहाँ इन्हें च्युइंगम की उन छोटी छोटी शेप में काटा जाएगा। जिसे हम सभी चाव से खाते हैं। और अब यहाँ पर च्युइंगम के ऊपर वाले सॉफ्ट लेयर को तैयार किया जाता है, और ये सॉफ्ट लेयर तैयार हो जाने के बाद च्युइंगम पर ये लेयर चढ़ा दी जाती है, जिससे कि पैकेट के अंदर च्युइंगम चिपके नहीं। इसके बाद सभी च्युइंगम को मशीन के हीटिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जहाँ पर ये च्युइंगम पूरी तरह से ड्राई हो जाते हैं। और अब यहाँ पर इसे पैकेट में पैक करके मार्केट में भेजा जाता है, जिसे हम और आप खाते हैं। तो इस प्रकार आपको पता चल गया होगा कि च्युइंगम ना तो सुअर के चमड़े से बनाया जाता है, और ना ही इसको निगल जाने के बाद कोई नुकसान होता है, क्योंकि अगर आप गलती से इसे निगल भी गए तो यह 2 से 3 दिनों में ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली बिल्कुल फ्री होकर आप च्युइंगम का आनंद ले सकते हैं। और हाँ, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं भारत में खाई जाने वाली सभी चीजें फैक्ट्री में कैसे बनती हैं इसके बारे में आपको अवेयर कराता रहूंगा।